किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लंबे समय तक चल सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट की राय एयर कंडीशनर पर। बिजली बचाने के लिए कौन सा एसी लगाया जाना चाहिए? एसी की टनेज उनसे डिपेंड करती है, आपका रूम एरिया क्या है या उस रूम के अंदर हीट कितनी है, वो रूम आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, नंबर ऑफ पर्संस यूजर्स कितने हैं, तो कम टाइम के अंदर भी काम चल जाएगा। एसी खरीदते हुए कुछ बातों का ख्याल रखें, उसके कंडेंसर का कोयल्स को चेक करें, दैट शुड बी ऑफ हैवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी को मत दें, कंपनी के किसी के नाम के ऊपर मत जाएं, उसकी क्वालिटी को आके फिजिकली चेक करें। लोगों में भ्रम रहता है कि एसी का तापमान कम करने से ज्यादा ठंडक मिलेगी। नो डाउट, जैसे आप 16 डिग्री पे चलाते हैं मोर कूलिंग विल बी देयर, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है 24 डिग्री पे चलाएं, 24 डिग्री पे आपके रूम के अंदर जितनी ह्यूमिडिटी है वो दूर हो जाएगी, यू विल फील प्लेयर। ये तो जरूरी नहीं है कि आप ब्लैंकेट लेके सोना है, आप एक सिंपल चादर के अंदर भी आप सो सकते हैं आराम से। जितना कम करेंगे, 16 डिग्री पे चलाते हैं मोर कूलिंग विल बी देयर, 24 पे चलाएंगे यू विल फील कम्फर्टेबल। ऐसा क्या करें जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं हो? एसी की सेविंग के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, कहीं पे भी कोई किसी तरह की शॉर्ट सर्किट है, कहीं पे वायरिंग के अंदर कोई इंसिडेंट हो चुका है, कोई कालापन आ चुका है, पोल के ऊपर कनेक्शन आया हुआ है वहां पे कोई स्पार्किंग फील कर रहे हैं, आपके किसी सॉकेट के अंदर स्पार्किंग फील कर रहे हैं, उसको इमीडिएटली रिमूव करें, क्योंकि एसी जब भी स्टार्ट लेता है वो 3 times करंट होता है। नॉर्मली 7 एम्पेयर वाला एसी, 7 एम्पेयर नॉर्मल करंट में चलने वाला, स्टार्टिंग एम्पेयर उसके 21 होते हैं। शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस जो से ना उस टाइम सबसे ज्यादा होते हैं। कहीं पे भी लूज वायरिंग, लूज कनेक्शन कहीं पे भी रखने की कोशिश मत करें। लो वोल्टेज पे अगर वोल्टेज 150 से नीचे आ गई है आउटपुट के अंदर, एसी को चलाने की कोशिश मत करें बार बार। एसी के रखरखाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एसी का सबसे बड़ी बात है कि उसके कॉइल्स को पीरियडिकल वॉश आउट कराएं, साल में एक बार एसिड से इसको प्रॉपरली वॉश करा के इसके कॉइल्स के अंदर जितनी मिट्टी है, गट्टा है, वो सारा साल में एक बार जरूर केमिकली क्लीनिंग जरूर होनी चाहिए। सरकार द्वारा एसी का तापमान 24 डिग्री रखने की हिदायत दी गई है, क्या कंपनी एसी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रखेगी? नहीं, कंपनी का रखना या नहीं रखना एक अलग बात है, देर में किसी जगह पे उनको मोर कूलिंग इज रिक्वायर्ड, ये तो यूजर को अवेयर होना है। 24 डिग्री पे भी आपकी ह्यूमिडिटी सारी रिमूव हो जाएगी, आपको 16 डिग्री पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रिल टेम्परेचर 16 है, कमरे का नंबर ऑफ पर्सन यूजर ज्यादा है, तो वो वहाँ प्रॉपरली काम कर पाएगा। तो देखा दोस्तों, किस तरह से कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपने एसी की लाइफ लाइन बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SPT News।